10 बजे 10 शहर में आपके साथ मैं हुरीना गौरव। 10 बजे 10 शहर में दिन भर की सबसे असरदार खबरें, वो भी निष्पक्ष अंदाज में। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने खडूर साहिब में बयान दिया कि एसजीपीसी पर अकाली दल ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने कंट्रोल की कोशिश की थी। वहीं शिरोमणि अकाली दल की ओर से प्रदेश में की जा रही सद्भावना रैलियों को पंजाब कांग्रेस के महासचिव हरमिंदर सिंह गिल ने मंदभावना रैली करार दिया है। खडूर साहिब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने फिर से साफ किया है कि एसजीपीसी में अकाली दल का कोई दखल नहीं है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने एसजीपीसी पर कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। भाई समझो इहदे च टिकट अकाली दल दी टिकट ते मेंबर बनदे हो लेकिन ओह तों बाद इंडिपेंडेंटली आपदा काम करदे। इन्होंने बड़ी कोशिश कीती है कांग्रेस वाले ने भी किवें ना किवें एसजीपीसी शुरू तों ही कब्जा करिए लेकिन हो नहीं सके। अमरिंदर सिंह भी जोर ला रहा, दुवड्डे होर भी ला रहे, किसे तो हो नहीं सके। वहीं पंजाब कांग्रेस महासचिव हरमिंदर सिंह गिल ने अकालियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि अकाली सद्भावना नहीं मंदभावना रैली कर रहे हैं। जिस गल दी जदों बंदा कहे ना मैनूं फर्क कोई नहीं पैंदा, राजनीति जदों समझदे फर्क पैंदा है। फर्क तां हुण पैंदा, चीकां निकलियां पईआं ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आप तां बयान ही नहीं देना पैंदा, बयान सारे जिहड़े अकाली दल वाले दिंदे ने। सद्भावना रैली कहदी आ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਹੈ। कैप्टन के अध्यक्ष बनते ही अकाली दल ने ये कहते हुए हमला करना शुरू कर दिया था कि अकाली दल कैप्टन को सीएम रहते हरा चुका है और उनके अध्यक्ष बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजन गोसाई, जी मीडिया, खडूर साहिब। पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह को पद से हटाने की मांग पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। कीटनाशक घोटाले के बाद पंजाब कृषि विभाग के निदेशक पद से मंगल सिंह संधू को हटा दिया गया था। पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री बादल को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने तोता सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। याचिकाकर्ता का दावा है कि पंजाब के कृषि मंत्री करप्शन के कई मामलों में शामिल रहे हैं और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मामले में निचली अदालत ने उन्हें 1 साल की सजा भी सुनाई है। ऐसे में नियमों को मद्देनजर रखते हुए तोता सिंह मंत्री बने रहने के योग्य नहीं है। जिसके विरुद्ध चार्ज फ्रेम हो चुके हैं करप्शन वगैरह या किसी और गंभीर अपराध ने, उस जजमेंट के आधार पर असीं मांग की सी कि जत्थेदार तोता सिंह जेड़े कि 2/5/2012 एक साल की उन्होंने सज़ा हुई करप्शन के दोषों में, और नाल दी नाल असीं मांग की है कि CBI वर्गी किसी एजेंसी तो ही इंसेक्टीसाइड वाले स्कैम की जाँच करवाई जाए। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करता है 22 जनवरी वास्ते। आपको बता दें कि पिछले दिनों पंजाब में घटिया कीटनाशक के इस्तेमाल से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद कृषि विभाग के निदेशक मंगल सिंह संधु के खिलाफ प्रदेश सरकार ने कार्रवाई कर दी थी। उसी दौरान विपक्ष ने कृषि मंत्री तोता सिंह को भी पद से हटाने की मांग की थी। नेहा सलारिया, जी मीडिया, चंडीगढ़। आने वाले दिनों में अकाली दल छोड़ने वालों की लाइन लगने वाली है। पंजाब कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के संयोजक रवनीत सिंह बिट्टू ने यह दावा किया है। बिट्टू की माने तो पंजाब कांग्रेस भटिंडा में रैली करके अकालियों की रैलियों का मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस आला कमान की तरफ से नई जिम्मेदारी मिलने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना पहुंचे, जहां पार्टी समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बिट्टू को पंजाब कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का संयोजक बनाया गया है। इस मौके पर बिट्टू ने अकाली दल पर जमकर निशाना साधा। बिट्टू ने बुलारिया के इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में अकाली दल छोड़ने वालों की लाइन लगने वाली है। जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी है बुलारिया साहब, उन्होंने इस्तीफा देने की शुरुआत की है और आने वाले में दिनों में देखोगे आप कैसे लाइनें लगेंगी। उनके अकाली दल के जो लीडर है, MLA है, वो उनकी पार्टी छोड़ के भागेंगे। वहीं बिट्टू ने अकाली दल की रैलियों का मुंह तोड़ जवाब देने का भी दावा किया। बिट्टू के मुताबिक 13 दिसंबर को बठिंडा में कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली का आयोजन 90% तय है। 13 तरीक नूं बठिंडा च रैली होएगी कांग्रेस दी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा उत्थे सारे, ते ओदों बाद जिहड़ी आ अगली रणनीति, अगली लड़ाई आ जिहड़ी शुरू।
पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कैप्टन को बठिंडा में रैली करने का चैलेंज दिया था, जिसे कैप्टन ने स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस उसी चुनौती का जवाब देने की तैयारी में है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। अकाली दल की तरफ से की जा रही सद्भावना रैलियों की लड़ी में तीसरी रैली गुरदासपुर में आयोजित की जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बठिंडा और मोगा में सद्भावना रैलियों में हुई भीड़ से उत्साहित अकाली दल अब गुरदासपुर में होने जा रही सद्भावना रैली को यादगार बनाने में जुट गया है। माझा क्षेत्र से जुड़े सारे अकाली नेता ही रैली की तैयारियां देख रहे हैं। रैली को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अकाली नेताओं के मुताबिक इस बार की रैली नया इतिहास कायम करेगी। इतने 200 बस की पहला डिमांड सी, उतने आज 325 जा रही है। जिथे 300 दी सी, आज 350 जा रही है। ते मैनू ये लगता है कि भावे रैली एक जिले की है, पर बठिंडे के मुकाबले की रैली जी होगी। इन्होंने ये तहैया बनाया हुआ है लोकल सारी लीडरशिप ने। अकाली नेताओं के मुताबिक अकाली दल लोगों को पार्टी से जोड़ने और राज्य में अमन शांति का माहौल कायम रखने के लिए रैलियां कर रहा है। उनके मुताबिक पहली रैली को लोगों का पूरा समर्थन मिला और दोबारा से साबित हुआ कि अकाली दल की मकबूलियत लोगों में बरकरार है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेताओं को आखिरी मौके पर बुलावा दिया गया है और जिले के बीजेपी नेताओं के रैली में शामिल होने पर अभी आशंका बनी हुई है, लेकिन अकाली दल ने माझा में हो रही पहली रैली को कामयाब बनाने के लिए इस बार पूरी ताकत लगा दी है। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। सरबत खालसा का मुद्दा आज लोकसभा में गूंजा। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सहनशीलता पर बहस के दौरान कांग्रेस पर वार करते हुए सरबत खालसा के मुद्दे पर कांग्रेस की जवाबदेही की बात कही। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसका सरबत खालसा से कोई लेना देना नहीं। लोकसभा में बहस सहनशीलता के मुद्दे पर थी, लेकिन बहस के दौरान बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक राज्य में हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए हमला किया। इस दौरान मीनाक्षी लेखी ने सरबत खालसा मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा और कांग्रेसी नेताओं के शामिल होने पर सवाल उठाए। उधर कांग्रेस की तरफ से राज्य के नए चुने गए उप प्रधान लाल सिंह ने मीनाक्षी लेखी को जवाब देने में भी ज्यादा देर नहीं की। इंटीग्रेशन का वो पूछेंगे नहीं अपने ऑफिस बेयरर से या एमएलए से कि आपके सामने जब खालिस्तान की मांग की गई तो आप वहां बैठे क्यों रहे। असी धर्म दे नाल दे वोटा नहीं मांगदे, धर्म दे नाल दे रोटियां नहीं सेकदे, पर इहदा इह नहीं मतलब असी कोई धर्म च विश्वास नहीं रखदे। जिहड़े भी गए आ उहदा पार्टी नाल कोई लेखा देखा नहीं। सीआरपीसी के माध्यम से बहस के दौरान मीनाक्षी लेखी ने पंजाब के मसले पर कांग्रेस को ही नहीं घेरा, फरीदाबाद में दलित के घर जलाए जाने की घटना को भी कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक रंग देने पर सवाल उठाए। मीनाक्षी लेखी ने हुड्डा सरकार के वक्त मिर्चपुर वारदात की याद दिलाई। फरीदाबाद इंसिडेंट वाज कोटेड बाय माय फ्रेंड्स, दे वर एफआईआर पेंडिंग अगेंस्ट बोथ साइड्स एंड दे हैड फॉट अगेंस्ट ईच अदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अ केस ऑफ पर्सनल एनिमोसिटी वाज सॉट टू बी मेड इनटू अ केस ऑफ कास्ट वायलेंस। पीपल फ्रॉम हरियाणा विल रिमेंबर मिर्चपुर गोहाना। I can just go on and on. At least 10 incidents which happened in last 4 years, 5 years. सहनशीलता के मुद्दे को आधार बनाकर पंजाब कांग्रेस पर हुए हमले ने अकाली दल के हौसले बुलंद किए हैं। जिस तरह से पंजाब में मौजूदा हालात का मुद्दा लोकसभा में गूंजा है, उसके बाद संसद में अकाली दल और कांग्रेस में तकरार देखने को मिल सकती है। पंकज कपाही के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के दंगा पीड़ित मामले में सज्जन कुमार का केस कड़कर डुमा अदालत से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से कड़कर डुमा कोर्ट के जज पर सवाल खड़े किए गए थे। तारीख पर तारीख, तबादले पर तबादले। 1984 दंगा पीड़ित मामले में 31 साल से इंसाफ की मांग कर रहे दंगा पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा, हालात को देखकर शायद इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कड़कड़डूमा अदालत में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे मामले के दौरान पीड़ित पक्ष की तरफ से सुनवाई कर रहे जज पर सवाल उठाए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब अदालती कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी।
ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਟਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਆ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਕਟੂਮਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਬ ਤੱਕ 1984 ਕਾ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੇ ਫਸਾ ਹੁਆ ਹੈ ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਬ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਈ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਲੀ हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया सत्र के पहले दिन ही सदन में माहौल गर्म रहा विपक्ष ने सत्र के पहले दिन धान घोटाले के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की उम्मीद के मुताबिक सदन में सरकार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ा सत्र के शुरू होते ही विपक्ष की ओर से धान घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया नेता विपक्ष अभय चौटाला ने प्रदेश में धान घोटाले का मुद्दा उठाते हुए काम रोको प्रस्ताव पर पहले चर्चा की मांग की अभय की मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन किया कांग्रेस ने धान घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है सरकार की ओर से जब सीबीआई जांच से इनकार किया गया तो इनेलो और कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया वॉकआउट जो धान का खरीद में जो घोटाला हुआ है उसके लिए हमने मांग की कि हाई कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी की जाए या सीबीआई को जांच दी जाए क्योंकि बड़ा भारी घोटाला है किसानों के साथ बड़ा भारी धोखा हुआ है और सरकार ने ये सार हमारी मांग नहीं मानी बार बार हमने निवेदन किया सभी साथियों ने और पूरा विपक्ष इस बात पे सहमत था कि भाई इस बात की जांच होनी चाहिए क्योंकि लोगों के हरियाणा के लोगों के दिमाग में ये बड़ा भारी घोटाला है इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए विपक्ष की धार को कुंद करने के लिए सरकार भी पूरी तरह से तैयार है विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा है लेकिन सीएम खट्टर का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है लिहाजा वो ऐसा कर रहे हैं जब कोई विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता है तो इस प्रकार की कई बातें कई आरोपों लगाया करते हैं गिरदावरी के माने जितनी गिरदावरी हुई है उसकी एक चेकिंग भी होती है और वो चेकिंग का जो लोगों ने कर ली होगी उसकी रिपोर्ट आनी शेष है जैसे रिपोर्ट शेष आएगी उसके बाद उनको कंप्रेंसिव पूरा दे दिया जाएगा सत्र भले ही शीतकालीन हो लेकिन सदन के माहौल में बेहद गर्मी है पहले दिन की कार्रवाई तो स्थगित हो चुकी है लेकिन अब जब सदन शुरू होगा तो उम्मीद है विपक्ष सरकार को दूसरे मुद्दों पर घेरेगा हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा कुलबीर दीवान जी मीडिया चंडीगढ़ हिमाचल विधानसभा सत्र की भी हंगामेदार शुरुआत हुई मुख्यमंत्री से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले पर चर्चा की मांग नहीं माने जाने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है धर्मशाला में आयोजित सत्र के पहले दिन विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की विपक्ष मुख्यमंत्री वीरभद्र के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई और भ्रष्टाचार के मसले पर चर्चा चाहता था लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी जिससे नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया हमें आशा थी आज अध्यक्ष महोदय इस पे चर्चा अलाउ करेंगे हम चाहते थे इस पे सबसे पहले चर्चा हो जाए और फिर उसके बाद हमने अन्य मुद्दों पर नोटिस दिए हुए हैं तो उन मुद्दों पर भी चर्चा हो लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश के सामने जो था उस पर ही अध्यक्ष महोदय ने अलाउ नहीं किया इसलिए हमने प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया है वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष का सदन से वॉकआउट करने को अधिकारों का दुरुपयोग करार दिया है जबकि कौल सिंह ठाकुर ने विपक्ष को रचनात्मक सहयोग करने की नसीहत दी है सरकार को हमारी सरकार को मौका मिलेगा उन मुद्दों का विस्तृत तौर पे जवाब देने का और मुझे पूरा विश्वास है और मैं अपील भी करूंगा विपक्ष से कि वो जो है विधानसभा की कार्रवाई में रचनात्मक सहयोग दें सदन में सीएम से जुड़े भ्रष्टाचार के मसले पर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष आने वाले दिनों में भी सरकार की मुश्किल बढ़ा सकता है धर्मशाला से मोहित प्रेम शर्मा जी मीडिया
जमीन के बदले प्लॉट नहीं मिलने से नाराज किसानों ने फरीदाबाद में प्रदर्शन किया। 2008 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आईएमटी के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ था। फरीदाबाद में आईएमटी के किसानों ने सेक्टर 12 स्थित डीसी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। किसान जमीन के बदले प्लॉट और बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं। किसानों की जमीन इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के लिए एक्वायर की गई थी, उसी दौरान उन्हें प्लॉट दिए जाने का वायदा किया गया था। किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट गौरव अंतिल को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने मांग पूरी नहीं किए जाने की सूरत में महापंचायत बुलाने की चेतावनी दी है। हमारे पांचों गांव की कल मीटिंग हुई जी। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि पहले हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे जी। और ज्ञापन भी इसलिए देना पड़ा कि हमारा फरवरी में जो है किसानों के इंडारेंट के प्लॉट देने का वादा किया था आईएमटी ने जी। और अभी तक ना तो प्लॉट दिए हैं, ना कोर्ट से बढ़ाई गई पेमेंट जो, ना किसानों को अब तक वो दी है। हाई कोर्ट के द्वारा जो मुआवजा बढ़ाया गया वो नहीं मिल रहा है। आर एंड आर पॉलिसी के तहत नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर जो प्लॉट किसानों को दी जाने थे वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। अभी वो ज्ञापन हमने दे दिया है, अभी देखते हैं कि हरियाणा सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है। आईएमटी के लिए जमीन का अधिग्रहण साल 2008 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किया गया था। तब से लेकर किसान उचित मुआवजा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। आज एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का 65वां जन्मदिन है। हिसार में समाज सेवी और गणमान्य लोगों ने जरूरतमंद बच्चों की मदद करके मनाया डॉक्टर चंद्रा का जन्मदिन। एसएल ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का 65वां जन्मदिन हिसार वासियों ने बड़ी सादगी के साथ मनाया। इस मौके पर डीएन मॉडर्न हाई स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां देकर लोगों से सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने की अपील की। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश खास तौर से दिया गया। डॉक्टर चंद्रा के जन्मदिन पर शहर के समाज सेवी और गणमान्य लोगों ने जरूरतमंद बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते और कोट भी बांटे। इसके अंदर हमें श्री सुभाष चंद्रा जी की ओर से रिटर्न गिफ्ट की तरफ से जैकेट्स मिल रही है, जो बच्चों को सर्दियों में बचने के लिए काफी मदद करेंगे। इसलिए हम उन सभी को सहयोग देने वाले लोगों को धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी दिया ये जो हम बांट रहे हैं वो उन्हीं के परिवार की ही देन है। जो कोट बांटे हैं, जो जर्सियां बांटे हैं, जो कुछ भी बांट रहे हैं, पैंट बांट रहे हैं, वो उन्हीं के परिवार की देन है। श्री सुभाष चंद्रा जी का 65वां जन्मदिन मना रहे हैं और क्यों के वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, वो भी इसी प्रांगण से पढ़े हुए हैं। जब ये प्रपोजल आई तो मैंने चेयरमैन साहब से बात की, उन्होंने यस कर दी। स्कूल के प्रिंसिपल मधु शर्मा ने डॉक्टर चंद्रा के जन्मदिन पर जरूरतमंदों की मदद किए जाने की पहल को सराहनीय कदम बताया है। ये आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का जन्मदिन है, उसी उपलक्ष्य में ये छोटा सा कार्यक्रम किया है। तो बेटियों को आगे लाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को ये स्वेटर जैकेट दे रहे हैं हम, और वर्दी दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं। ये सुभाष जी के परिवार से ही लोग दे रहे हैं और उनके सहयोगी दे रहे हैं। आपको बता दें कि एसएल ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बचपन में इसी स्कूल से शिक्षा हासिल की। उनके जन्मदिन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश और जरूरतमंद बच्चों की मदद की पहल काबिले तारीफ है। ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। वादी में आईएसआईएस के झंडे लहराने के लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद सेना अब सतर्क हो गई है और ऐसी घटनाओं पर अब पैनी नजर रखी जा रही है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। घाटी में आईएसआईएस के झंडे लहराए जाने के मामले कमोवेश हर शुक्रवार को सामने आते हैं। अब तक इसे सामान्य मानकर चल रही सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। खुद सेना इसे चिंता का सबब मान रही है। अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि घाटी में आईएसआईएस पाक समर्थित आतंकी गुट लश्कर और जैश ए मोहम्मद से हाथ मिला सकता है। वहीं सेना के अधिकारियों के मुताबिक आईएसआईएस एक जीता जागता खतरा है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।
और सेना इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आईएस एक लाइव थ्रेट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इट्स ए कॉज फॉर कंसर्न एंड वी आर मॉनिटरिंग इट। ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेज एंड ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज आर मॉनिटरिंग दिस, दैट इज ऑल आई कैन से। पेरिस हमले के बाद से सेना ज्यादा सतर्क हो गई है, यही वजह है कि किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।